नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। अलग नज़ारा, अलग लोकेशन देख के थोड़े हैरान हो गए होंगे ना आप। मिस्टर एंड मिसेस निशूस कास्ट कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए आए हैं तो क्यों ना हम आपको US दिखाएं और वहाँ की अलग अलग अल्कोहल की पूरी जानकारी दें। आज मैंने एक स्पेशल एपिसोड किया है क्योंकि हम जिस स्टेट में रह रहे हैं, US में जिस स्टेट में रह रहे हैं, वो है टेनेसी। तो टेनेसी जो स्टेट है दैट इज़ एक्चुअली फेमस फॉर, आपको पता है, टेनेसी विस्की। यस, दैट इज़ जैक डैनियल। जैक डैनियल जो विस्की है वो टेनेसी विस्की है। ऐसे ही कई और काफ़ी विस्कीज है जो टेनेसी में बनती है। और दूसरी एक अमेरिकन विस्की है, दैट इज़ बर्बन। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि अमेरिकन विस्की यानी टेनेसी विस्की क्या है और बर्बन विस्की क्या है। चलो तो चलते हैं और वहाँ अलग लोकेशन पे मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन टेनेसी विस्की एंड बर्बन विस्की। लेट्स गो। तो चलो देखते हैं बर्बन विस्की और टेनेसी विस्की में क्या अंतर है। बर्बन विस्की बनाने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसमें से पहला है इट शुड बी मेड इन अमेरिका, USA में ही बनी हुई चाहिए, तभी उसको हम लोग बर्बन कह सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया, इसमें उसका जो मैश बनाते हैं उसके लिए कम से कम 51% कॉर्न होना ही चाहिए। बाकी के अगर ग्रेन्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो रेशो हर एक डिस्टिलरी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी कुछ डिस्टिलरीज ऐसी है जो 75-80% कॉर्न इस्तेमाल करती है और रिमेनिंग राय या तो व्हीट इस्तेमाल करती है। तो ये क्राइटेरिया कंपलसरी है कि 51% मिनिमम कॉर्न होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि इसका जो मैचुरेशन होगा वो मैचुरेशन न्यूली चार्ड ओक बैरल में ही मैच्योर करने के लिए रखी हुई चाहिए। विस्की जो बनने के बाद उसको मैचुरेशन के लिए नए चार्ड ओक बैरल में ही रखनी चाहिए। रीयूज्ड जो बैरल रहता है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसकी खास बात यह है कि ये जो बर्बन विस्की है ये आप 3 महीने से लेके कितने भी साल तक उसको मैच्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेथ बर्बन विस्की है जिस पे लिखा है, अभी फॉर एग्जांपल केंटकी स्ट्रेट जो बर्बन विस्की है उसको 2 साल के लिए एजिंग के लिए रखा जाता है। उसके बाद द नेक्स्ट क्राइटेरिया यह है कि इसका जो डिस्टिलेशन होता है तो डिस्टिलेशन के बाद जो अल्कोहल डेवलप होता है इट शुड बी 160 प्रूफ, नॉट मोर देन दैट। 160 प्रूफ यानी 80% VV उसमें होना ही चाहिए। और जब इसको बैरल में भरा जाएगा मैचुरेशन के लिए उस समय 62.5% VV होना ही चाहिए। देन मैचुरेशन से निकालने के बाद जब उसका बॉटलिंग होगा तो उस बॉटलिंग के समय उसका जो अल्कोहल कंटेंट है इट शुड बी मिनिमम 40%, अबाउ चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। देन अगला जो क्राइटेरिया है इसका जो बर्बन विस्की कहलाने के लिए वो ये है कि इसमें नो कलर शुड बी एडेड, कोई भी कलर ऐड नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके के सब क्राइटेरियाज को एक करके बर्बन विस्की बनाई जाती है। अब टेनेसी विस्की क्या है? टेनेसी विस्की भी इससे कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं है। टेनेसी विस्की भी अमेरिका में बनती है। तो ये सब क्राइटेरिया जो है बर्बन विस्की के वो इसके लिए भी इम्प्लीमेंट होते हैं, इसके लिए भी लागू होते हैं। लेकिन जब भी इसका एक डिफरेंट टाइप का जो प्रोसेस है वो कंपलसरी टेनेसी विस्की में इस्तेमाल किया जाना चाहिए एंड दैट इज़ लिंकन काउंटी प्रोसेस। तो ये प्रोसेस में क्या होता है, जो शुगर मेपल वुड रहता है उसको जलाया जाता है और उसके ऊपर पानी छिड़क के उसका कोयला बनाया जाता है। और उस कोयले की साइज़ भी एक पर्टिकुलर साइज़ की होती है जिसमें ये कोयला बनने के बाद वो पूरे 10 फीट के एक टैंक में भरा जाता है और जिसके ऊपर से
ये जो विस्की बनती है उसको ड्रिपिंग किया जाता है। जो विस्की ड्रिप होके अंदर जाएगी उसके बाद में जो 10 फीट के फिल्टरेशन के बाद जो विस्की निकलेगी उसको फिर मैचुरेशन के लिए कास्क में डाल के जो विस्की बनती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लिंकन काउंटी पुलोस प्रोसेस। तो ये प्रोसेस स्पेशल है फॉर टेनेसी विस्की और ये विस्की सिर्फ टेनेसी में ही बनती है, दैट इज़ द स्पेशल थिंग। और इसी स्टेट में हम लोग रह रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो ये जो डिफरेंस मैंने बताया इसकी वजह से दोनों विस्कीज में थोड़े से कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती है। तो आपको कैसे लगा ये सब दोनों का डिफरेंस ये मुझे बताइए और दोनों विस्कीज आप टेस्ट करिए। लेकिन उसके पहले सबको आपके दोस्तों को बोलिए निशुस कास्क इज टेलीकास्टिंग फ्रॉम US। तो ये एपिसोड्स सब्सक्राइब करिए, आगे भी सबको बोलिए सब्सक्राइब करने को, लाइक करने को और शेयर करने को। और कोई भी विस्की हो, कितनी भी अच्छी विस्की हो, अपना निशुस कास्क का एक सेंटेंस, ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड चीयर्स टू निशुस कास्क।